पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, काम करो, काम करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर झूठा नाम लिखा दिया। यहाँ के ऐसे सोचे मेरी बात हुई है फोन पर, मैं बना कुछ है, मैं जो थे तो आके जो भाई 20 दिन हो गया एक आदमी ने आइडेंटिफाई करता नहीं, दो आदमी बयान नाम बाद में है, एक आदमी तो 500 तो पहले दिन में अपना नाम से दो, 20 आदमी ने अगर 20 दिन में आइडेंटिफाई कौन पर कर पाया तो ये तो कह दिया भी वो निर्दोष है। आप तो कह दियो सही बात है, भिक्का मुक्का मित्र तो कह दियो भी निर्दोष है, यह कह दियो दोषी है भी थे, थारी कोई बात करिए मैंने की तो बताओ, क्या जी मैं जांच कर रहा, क्या जांच कर रहे हो, क्या थाने बताया कौन सा, तो मैं कोई पूछण को नहीं आया थे क्या करने लग रहे हो, मैं तो टा कह आया भी बंगी गिरफ्तारी का दोषी। आ बताओ 5 दिन को अपन टाइम दियो, टाइम पूरा हो गया रोज आंस आगे संपर्क करे, अपना आदमी मौजूद आदमी आगे रोज अडांग आगे अंग आगे बैठा रहे, क्यों भाई क्या खातर बैठे रहे, अंगो काम है, काम ना हो तो तू खाली करके जाओ और आ जाएगा। नहीं आपने तो पैसा लेना चाहो तो भाई पूछ लियो, भी मार के नु थे पैसा और लेना चाहो कत्ल का देनेगा तो भाई दे देगा बका और ले होगी की जगह पर कौन दे भाई दीदा बिठे मानस मरने एक नु पैसा और लेना चाहो तो बता दियो, खुल गए पुलिस वाला की तो खुल के बता दियो, तो आपने समझ में बनियारी बात है हां तो कह दियो, एसएचओ ने स्पष्ट कहा है कि मैं 4 आदमी आंगो जैसे करवा दिया, बड़ो बहादुरी को काम करे, बाकी घटा है बांगी सार के ने की है, फोन तो आज चले फोन ना चले फोन तो आज चले है, फोन की सीडीआर निकलो 1 घंटे को काम है, सीडीआर निकालो 1 घंटे को काम है, इतनी टेक्निकल विकसित हो रही है जबकि मैं आज 20 दिन हो गया आज तक मतलब प्रोग्रेस पर ही कौन पूछा, पुलिस घटा ही बटी खड़ी है और अपराधी सरेआम घर का आकर गेड़ा मारे, क्या बात है कहीं तो हो गए भी एक आदमी और मेरा हटा है मतलब की है, है? थाने हटा कोई एक दो और चाहिए तो बता दो, वही मतलब है वह खुला फिर रहे बंगांग इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, बिन पकड़ के कौन जा रहा है, कोई माड़ा मोटा इन भी ने कोई सबूत है तो थे बात सेटिंग कर लो तारी मतलब वही है तक जैमल जी आप बताओ प्रशासन।
प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय करो और ते आंगा जो है वो की पुलिस को रवैयो जो है अभी ताई वो ही है जो अंग्रेजों का ही अंग्रेज जका है पे बांगे हिसाब उचालता आम जनता को शोषण आज भी हुए आज ही अखबार को निपटो के बा प्रीति जैन जो की है बांध के लोगों से आगे बहुत अच्छो व्यवहार करो FIR लोज नहीं करी है तो वो आज की पत्रिका के मैं बहुत बड़ी न्यूज आई बहुत बोले सुने अब आज की लाल की हत्या हुई है मैं ये बीताई मठ हूँ उन्नी रबी ताई की कोई मतलब पूरी जानकारी पर आ बात निश्चित है आ बात निश्चित है कि पुलिस जकी है पा इन जको है वो एक धंधो हिस्सो बना रखे है कमान है और खाना और ब्याह में अंग्रेजों के टाइम में जो ढंग होता ढंग आपने मई आई आपने मई आई वह विजातीय तत्व जिका है जो चिंचड़ और गोयड हुए पशुआ में तो आपने मई आई हुए जका जो है आपने माँ बात की करेगा ना के बात की करेगा और ले देंगे आ एक बहुत बड़ी तो ये भाई ए चार मुलजिम गिरफ्तार हुए पांचों का कोनी करियो तो कोनी करियो और करे भी कोनी करे भी कोनी करे भी कोनी करे कोनी आज ना कोई आया यहाँ पे क्या कोनी करे हैं भाई तो करने नो चाहिए होगा तू बेटी कर लेनो चाहिए हां नहीं टाइम दी आप देखा मैं करा वाणे जाने करना हां ने मैं तो ई ढंगो विवेकपूर्ण तरीका हो आज चाहे एथिक ने ई ढंगो को ने बहुत बड़ी पसंद और ना पसंद टाल के मन में जी कोई कोई पसंद है कि नहीं पसंद है जीवन है सुरक्षित हो तो जा रही हर आदमी कोई आदमी की नहीं पकड़ के कदी मारते कोई जी कोई वो गारंटी को नहीं तो जीना तो चामा जीना चामा तो ई बेई छुआ छूत दूर करके राजनीतिक व्यक्तिगत मतभेद सारा भूल गए और इन प्रशासन पुलिस प्रशासन के खिलाफ लड़नो पड़ेगो और बैठ के एक सो प्रोग्राम बनाओ के यहाँ को नहीं भाई तो आज हजारों आदमी होना चाहिए ठीक बात है आज हजारों आदमी होना चाहिए और ई में अगर है इतना भी तो हो खड़ा और करो घेराओ करे यहाँ जो है RSC और पुलिस को बुलानी पड़े और बटालियन शाम तक ऐसे हालात हो जाए कि यहाँ जो है इनका जीना आराम हो जाए और हमारे में से कुछ जो है बलिदान देना पड़े पड़े हिम्मत चुकाए बगैर भी काम हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ देना पड़ता है तो इसलिए इसलिए अगर गुस्सा है देखो जोश के सके आप एक तो मुंह कुफार नहीं बोलू गलत नहीं बोलू गलत बोले बेमतलब जोश के माँ होश नहीं हो तो आंदोलन कुटीजिए ले रहे हो कहने वो भाव वो है कि हजारा आदमियां पूरे आसपास के गम जेम इकट्ठा करके एक टीम बनाओ टीम है टीम किसो आके गो के थारी बात गलत है अरे निर्मम हत्या निर्मम हत्या और दो किलोमीटर दूर बैठे आपने लकेश रंगे गोपी को छोड़ो गोपी को छोड़ो एक्सीडेंट हो डेथ होगी बहुत पहले मेरे याद है मैं रामगढ़ स्कूल में पुलिस कोनी आई मैं स्कूल के बच्चा में घेराव करियो और भी बात में जो है वो एक एजिटेशन के रूप में करियो तो एक निर्णय पूछो जोर होता हुआ जोर बोता है भी टाइम तो इतना साधन को नहीं आज आपने कहने साधन मोबाइल को बात करके फोन पर बात करके हजारों आदमी इकट्ठा होना चाहिए अरे इंगे माज को है वो आज भी अगर आदमी कम में मेरे समझ उगा आ तो थोड़ा तो अपने परियतनो सिद्धांत दे तो थोड़ा आ तो बुलाया कोनी को नहीं बुलाया तो इतना दिन आ तो मैं कर दिया तक मो बातचीत करने खातिर भी इतना दिन हम के कार्रवाई हुई हां तो आप फिर मन ही बात ना बता देना आ तो मैं कर रोटा देगा आज बात कर लियो हां बात कर लियो और अन को के मेज को है वो आई गई को नहीं करंगा हां बात आ देखो ई मैं
मैके आंगो आपको जीवन है सुरक्षित कोनी के आके ने किए। अरे मान लिया हाँ के बढ़ती बढ़ती को डर है, बढ़ती हूँ नीचे हाथ पकड़ के करे तो बात तो आपने आपने ही कमजोर पावेगा। मैं सारी रोटियां हूँ ब्लेड है, मैं आज 73-74 साल को मन में अब भी झुकू है, यहाँ लगे के मैं आऊँ ठीक हूँ क्या है। तो ही जंग तैयारी करो, बात करो, मारो कोई गुंडागर्दी करनी आ कोई नेतागिरी को नहीं, और चुनाव को लड़नो पड़े जको ई ढंग निर्मम हत्या हुई है भी न्याय चाहवा, और वो न्याय थाने भी अगर इंसान हो तो पुलिस ने भी हो चाहिए, पुलिस की शाबाशी है। ये तो आज थाने जको है ललकाई ना रहा और थे पकड़ लोगा जो धन्यवाद देना जावांगा तो बहुत बढ़िया करियो तैयारी के सके अपन करो। और आने जो है अच्छा जो भी है खानदान की जिका भी है मैं उनको ध्यान को नहीं पाऊँ, बात करो वह केक है और बन के प्रगति है अभी ताई के प्रगति है, कितना पकड़ा अभी ताई नहीं पकड़ा तो बन कायन की है क्यों को नहीं पकड़ा तो वह केक है। बारे में मेरे देखो नौजवान सारा बैठे करो ये तो हाँ पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों राजेंद्र स्वामी हत्याकांड निर्मम हत्या उसके चार हत्यारों को गिरफ्तार किया गया, पांचवा अभी फरार और दो अन्य जो जिस लड़के को पीटा गया था साथ में राजेंद्र के उस लड़के ने उनके नाम बताए हैं वो भी अभी बाहर है। इसका मतलब तीन ऐसे लोग जिनको डायरेक्ट जनता को पता है कि राजेंद्र स्वामी को लठों से पीट कर मारने का इन तीनों का और हाथ है वो पिछले 19 दिन से इलाके के अंदर घूम रहे हैं। पुलिस अभी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं समझ से बाहर ये है कि जब पांच आदमियों के नाम आपको लिख करके बता दिए कि इन लोगों ने राजेंद्र को मारा है, सबसे पहले तो पांचों को गिरफ्तार जब चार को कर लिया तो एक बार क्यों है? बहुत बड़ा संदेह पुलिस प्रशासन के ऊपर, हालांकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन संदेह और संदेह उसके बाद सच होता है। जब एक गिरफ्तार नहीं हुआ तो पुलिस के ऊपर संदेह हो रहा है और संदेह कहीं हकीकत में है तो इससे यह साबित होता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार के दायरे में है, क्योंकि 19 दिन से एक अपराधी इलाके के अंदर लोगों ने देखा है उनके घर के सामने से गुजरता है, वो अपराधी घूम रहा है, उसका नाम है भूल FIR के अंदर, उस अपराधी को नहीं पकड़ना संदेह के घेरे में आता है और संदेह धीरे धीरे करके सच में बदल जाएगा और जब सच में बदल जाता है तो निश्चित रूप से इलाके के थाने के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप तय होता है। साथियों हम यदि पुलिस का जमीर जिंदा है तो हम ये बात कहने के लिए आए हैं कि राजेंद्र स्वामी के पांचों हत्यारों को और दो अन्य नाम जो आए हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करो, नहीं तो आज जो 100 लोग आए हैं अगली बार आपको यहाँ से विदाई लेनी पड़ेगी, इतने लोग यहाँ भर जाएंगे फिर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इलाके के अंदर यदि आपराधिक प्रवृत्तियों को इस प्रकार से शरण मिलेगी और 19 दिन तक हत्यारे यदि गिरफ्तार नहीं होंगे तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और जो ईमानदारी से अपना जीवन आराम से जीना चाहता है उन लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे, उससे सामाजिक अशांति फैलेगी और सामाजिक अशांति फैलने का मतलब ये है कि समाज उग्र दृष्टि उस उग्र दिशा की ओर जाएगा, उससे समाज बेतरतीब हो जाएगा। इसलिए हम जिन पुलिस प्रशासन का यदि जमीर जिंदा है तो हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो तीन बाकी अपराधी बचे हुए हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके आप जज के सामने पेश कर दो, वो जज का काम है कि वो अपराधी है तो उनको सजा दे देंगे, यदि अपराधी नहीं है तो उनको बरी कर देंगे। जय हिंद जय भारत। अब मैं साथी बलवान ब्रिगेडिया भादरा पंचायत समिति के उप प्रधान हमारे बीच में बैठे हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आप इस मामले पर अपने विचार रखें। आप
पहले जो घटनाक्रम हुआ और उसकी मांग के लिए अपराधियों को गिरफ्तार करवाने के लिए जो आप बड़ी संख्या के अंदर आज आप थाने पे प्रदर्शन करने के लिए आए हो, मैं बड़े हौसले के साथ और बड़े आत्मविश्वास के साथ आपको ये बात कहना चाहूँगा कि एक गांव से जब लोग इतनी बड़ी संख्या में किसी अपराधी को पकड़वाने के लिए निकलते हैं तो मेरे ख्याल से कोई आदमी 302 का मुकदमा झूठा किसी पे लगवाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए नहीं आएगा। इन लोगों की जो बात है निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कि दोबारा आत्ममंथन करें और जो नामजद आरोपी हैं उनको आप तुरंत गिरफ्तार करने के साथ साथ जो आपकी जांच में दो आदमी हो रहे हैं उनको भी आप जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके लोकतंत्र में आप जो न्याय मांगने वाले लोगों को आप न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करें। हालांकि चर्चाएं हमारी और भी चल रही है लेकिन मैं बड़े स्पष्ट तौर से आपके बीच में कहना चाहता हूं कि हरियाणा चुनाव के अंदर गए हुए थे, मैं भी विधायक जी के साथ था, जैसे ही पता चला कि आप लोग बिरानी थाने गोगामेड़ी थाने के अंदर आ रहे हो विधायक जी ने कहा कि आप उन लोगों के बीच में जाइए और स्पष्ट तौर से उनको एक बात कहिए कि आपकी जायज़ मांग के साथ भादरा का विधायक और भादरा का पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है और उन लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए जैसे भी हमारी ताकत होगी हम आपके बीच में आकर के खुले में आकर के उन लोगों को गिरफ्तार करवाने की व्यवस्था करेंगे। ये अपने देश की विडम्बना ही है कि जो पूरे देश का कानून ढांचा है उसके अंदर लोकतंत्र के अंदर न्याय मांगने वाले लोगों को आज पीड़ित होना पड़ रहा है उन अपराधियों को गिरफ्तार करवाने के लिए। मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाहता हूँ कि न्याय के अंदर देरी भी एक तरह से अपराधी है। अगर तुरंत अपराधी को सजा मिल जाए तो अपराधियों के हौसले कम होते हैं और समाज के अंदर अपराध कम होते हैं। ये बड़ा ही गलत दिशा के अंदर पूरा पुलिस व्यवस्था है बढ़ रही है। निश्चित तौर से ये समाज के लिए और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करके आप न्याय मांगने वाले लोगों को न्याय उपलब्ध करवाएं। हम आपकी जायज मांग के लिए आपके साथ हैं। धन्यवाद। राजेंद्र प्रसाद में ठीक है पदारड़ा जी गिरे आ जी हैं भूख संतुलित सभी साथियों वैसे जो है आंदोलन करने के लिए कोई आता है तो राजी खुशी या जो है चाव से नहीं आता। आज बिना बुलाए सब लोग आए हैं, जैसे किसी को सूचना मिली तो लोग जो है जो आस पास के रामगढ़ के लोग मानो जिस दिन हत्या हुई उस दिन जो है हत्या होने के पहले हत्या होने से पहले झगड़ा होने के दो मिनट बाद पुलिस को जो है वो मनोज जी शर्मा क्या नाम है हाँ शर्मा जी ने जो है पुलिस को सूचना दी कि साहब यहाँ झगड़ा हो रहा है और कोई बड़ी घटना घट सकती है। उस सूचना पे जो है यदि पुलिस चली जाती तो आज जो है ये हत्या नहीं होती और अपन जो है इस बड़ी दुर्घटना से बच जाते। पुलिस जो है जानबूझ के लापरवाही करती है। यहाँ से सूचना मिलने के बाद एक बार नहीं दो बार सूचना दी, एक 24 मिनट पे सूचना दी 7:00 और दूसरी जो है 7:28 पे 8 मिनट में दो बार जो है पुलिस को सूचना करती कैसा अब आप जो है तुरंत यहाँ पधारो नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना करेगी। यहाँ से जवाब मिला कि पुलिस जो है परलिका गई हुई है आते ही भेज देंगे। तो शर्मा जी ने कह दिया सर परलिका से तो 2 किलोमीटर झगड़ा हो रहा है तो पुलिस को वहीं सूचना कर दो तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आ जाएंगे। जानबूझ के जो है इन्होंने 2.5 घंटे बाद जो है पुलिस पहुँचती है 4 घंटा बाद पहुँचती है 4 घंटे बाद जो है 4 घंटे में तो जो दुर्भाग्यवश जो दुर्घटना होनी थी हो गई। उसके बाद जो है चलो जो कुछ हुआ पोस्टमार्टम के समय जो है पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर डीएसपी एडिशनल एसपी उन्होंने जो है न्याय दिलाने के लिए बड़ा इत्मीनान से वादा किया कि हम जो है
दोषी पुलिस कर्मियों को दंड देंगे और जो उस समय दो ही गिरफ्तार हुए थे, जो शेष 8 आदमी उस समय मान रहे थे कि 5 तो नाम दे दें तीन अन्य 8 आदमियों को हमें 5 दिन में गिरफ्तार कर देंगे, 5 दिन का हमें समय दो। हमने उस समय भी इनसे मांग की थी कि भाई पुलिस वालों को तो जो है जो दोषी हैं उनको तो तुरंत जो है आप सस्पेंड कराओ। एसपी साहब से बात की, एडिशनल एसपी साहब ने, एसपी साहब ने कहा कि इस प्रकार सस्पेंड करेंगे तो अपनी पुलिस कमज़ोर लगेगी लोगों को। मैंने उसी समय फ़ोन पे एसपी साहब को बता दिया था कि एसपी साहब अब आपकी पुलिस मजबूत लग रही है क्या आपको? अब किस प्रकार मजबूत समझते हैं ये पता नहीं, आपको मजबूत लग रही हो जब जो है सूचना के 2.5 घंटे तक 4 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची और जानबूझ के हत्या करवा दी, अरे आप पुलिस को मजबूत मान रहे हो? पर उस समय हमने पुलिस को इसलिए टाइम दिया था कि यदि हमने अभी से आंदोलन शुरू कर दिया तो पुलिस वाले अपने को संभालने में लग जाएंगे, मुलजिम दूर भागेंगे, इसलिए ये सोच के जो है सभी लोगों ने भी तैयार करके रपण ने पुलिस को किए, उस समय जो है आंदोलन स्थगित करके और जो है समय दिया था पुलिस को ताकि मुलजिमों को जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर सके। ये तो मान के चलना चाहिए कि पुलिस जो है जो इस प्रकार की जो हत्याएं या जो भी अपराध होते हैं नहीं, वो पुलिस से पुलिस की सह पे ही, मैं ये कहूँगा पुलिस से सह पर या पुलिस से मिलके ही होते हैं। पुलिस को पहले पता होता है, पता नहीं मिलके होते हैं सब, पता नहीं पता पता तो अपन ने बताया दिया, शर्मा जी ने फोन कर दिया, पता चल गया अपराध हो जाएगा। तो साथियों अब जो है गिरफ्तारी नामजद जो मुलजिम है नहीं उनको गिरफ्तारी में जो है एक दिन का समय भी नहीं लगना चाहिए। चलो इन्होंने उस समय इन्होंने मिल लिए होंगे, मर लिए होंगे, डूब लिए होंगे, पर जब इनको पता है कि ये दुखी जनता जो है नहीं ये तुम्हें जो है आखिरकार जो है हत्यारों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, फिर क्यों बताओ ये जो इस प्रकार की घटनाएँ घटित करते हैं? तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ज़्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है, मेरा यही आग्रह है कि इसी प्रकार यदि अपराध होते रहे तो यहाँ जो है ये अपना क्षेत्र जो है सबसे शांत, राजस्थान सबसे शांत और राजस्थान में गोगा जी की धर्म धरती जो है ये सबसे शांत थी और इस धरती को जो है बिहार और यूपी बना के छोड़ दिया। इस थाने ये थाना जब से खुला है उसके बाद जो है ज़्यादा अपराध बढ़े, थाने अपराध कम करने के लिए होते हैं पर ये थाना गोगा मेडी का थाना जो है ये अपराध बढ़ाने के लिए हुआ है। तो इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन को, पूरे थाने को जो है यहाँ से तुरंत प्रभाव से, ये हमारी मांग है, पूरे थाने को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, कोई झूठ नहीं है, पूरे थाने को जो है तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं ऐसे चौथा उनको निलंबित किया जाए, अन्यथा जो है ये दुखी लोग जो है नहीं इनकी बदवाएं नहीं ये जो है यहाँ अपनी आत्महत्या कर देंगे। इसलिए मेरा जो है आग्रह है अपने को जो है बिल्कुल इसको यदि यूपी बिहार से बचाना है तो पूरे क्षेत्र को जो है अपने को पूरे क्षेत्र को जागरूक होना पड़ेगा और ये आंदोलन जो है जब तक शांत नहीं होगा तब तक जो है इस पूरा थाने को यहाँ से रिलीव नहीं कर। जय हिंद जय भारत। स्वामी पहुंचे हैं आपको दो बार बताएंगे और ये तो अंकल जी ने बताया नहीं, ये हकीकत है, मैं ऐसे सिस्टम में नौकरी करके आया हूँ जहाँ पर ऐसा काम नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने हत्या करी किसने नहीं करी, इससे एक मिसाल बननी चाहिए कि आज के बाद उस पुण्य आत्मा का नाम होना चाहिए कि ऐसा काम यहाँ पर नहीं होगा तो जब भी उनको शांति मिलेगी। और यदि हम ऐसा सोच लेंगे कि कुछ बात नहीं है और दंती ले खेत में ला रहा कोई बन कुछ है वो और अठे अपने देख रहे पुलिस थोड़ा खोट है, आँखों कोरिया बड़ी पीड़ बैठी है वहाँ पीड़ा में खोट है, आज अपने छोड़ा है तो मजबूर है आम तो आप की कहते हैं तो गाड़ी सुन लेगा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ।
होश में आओ, 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 नहीं तो अपने अपने घर जाओ, होश में आओ, 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 नहीं तो सभी अपने अपने घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, यहाँ रहोगे तो काम करना होगा, काम करना होगा, काम करना होगा, सरकार को मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। सर्व समाज का लोग आया है, जिसका जनप्रतिनिधि साथी है विराजमान है, जिसका लोग मजदूर किसानगी लड़ाई लड़न खातर पूरा जीवन आपको समर्पित कर दियो आदरणीय गुरु जी हनुमान जी, जिसका लोग और जिसका खेत को जरूरी काम छोड़ छोड़ के जिसका आया हो, जिसका वो कभी वास्तव ही कोनी, जिसका लोग थाने हो कभी सपनों ही कोनी आए हो, वह लोग जिसका विराजमान। मैं असल में कई बात आपसे शेयर करनी चाहूँ। कोई भी न्याय और अन्याय, कोई भी मांग, कोई भी लड़ाई जिसकी लड़ी जाए, भी लड़ाई वो भी आपको एक तजर्बो हो। कोई रेलीड़ो सूद सीधो पांच किला तुला के लिया के और यहाँ कह देगा माचो बन दे तो माचो कौन बनी जे, फिर सुलझाई जाएगो, फिर मोइयो बनाई जाएगो, फिर कोई काती जाएगो, फिर कोई दावण न्यारो सिस्टम होगा, फिर जो ताणो है वो न्यारो सिस्टम होगा, वो बनाना रो कलाकार आदमी चाहिए, समाज में खालेड़ो होने चाहिए, हर एक काम की छोटी 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 प्रोसेसिंग हुए बीच में गुजरनो पड़े। असल में अठे कोई तो भाषण देगे राज्य को नहीं, कोई बोलगे राज्य को नहीं, मगर कोई भी आंदोलन, कोई भी काम इश्यो जो को काम जो को एक ही दम अपने भी खातर है पर्चियाँ हाथ में लेनी है, ज्ञापन लिखना है, बोलना, लोगों ने बुलाना, वह भी आपकी बात रखे, ए सारी चीज जो है वो करनी पड़े। इन बात खातरी में आपने विचार खड़ा होगी जो है वो बोलने लगे। रामगढ़ का, बरवाड़ी का, परलिके का जिका लोग आया, जिका और समाजांगा और दूर दराज सू परिवार का जिका रिश्तेदार लोग आया, इसे संकट की घड़ी का वाकट होनो चाहिए। कामरेड कुलदीप भंबू जिको है वो आया, दूसरा साथी भी बहुत सारा लोग आया, मैं दिलीप जी आप आगा हो सारा अठे लोग, एक तो मेरे को अठे आप थाने में बैठे ही बात खातर सभा करण लाग रहे हैं, सभा के मैं पहली भी लोग जो है वो बोलिया है। मैं सुबह MLA हूँ बात करी, रात ने मैंने तारा चंद जी को समाचार मिल गयो भी कल 10 बजे जो है वो आप शुरू करांगा, देर बाद में वह कोई हरियाणा के मैं अभी उपचुनाव है विंग माँ गाँव गाँव में मीटिंग करने लग रहा है, दौरान मेरी बात भी हुई और बात जो है वो यहाँ कहो कि कल मैं खुद जो है वो थाने पूग गए और ये संबंध गए माँ जो है वो आज लेट अंदर टीपी क्यों को रो रही है बात के है, मैं बात करूँगा। मैं रात को वागू प्रोग्राम देखो तो 10 गाँव वागू कार्यक्रम और हो विषय के माँ तारा चंद जी दूसरा फोन जो है वो लग गयो को नहीं, मगर जयमल भाई जी ने और आने सूचना करी तो बेरो पड़ो भाई सारे लोग आने आ सूचना होगी तो 10 बजे एक बार इकट्ठो जो है वो होनो पड़े। विकल्प के तौर पर आप आठ 2-3 बातें कर सका कि एक तो 4-5 बजे तक बाद में मैं बात बताने लग रही हूँ, कल सारा ने सूचना होगी जो स्थगित करने वाली बात 4 बजे तक 5 बजे तक रही को नहीं, बाद में मैं यहाँ कहो कि असल के मां एक बारी बलवान खगेड़िया भी आ जावे, आपा सारा लोग जो है वो आया हाँ बात के दिन आ घटना घटी भी दिन सारा लोग आप लगभग सारा लोग आ और बठे की बात तय हुई बा आ बात हुई भी 5 दिनों को मैंने टाइम दे और 5 दिनों में सारा आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया था। अगर थाने का अधिकारी और थाने का जगह लोग मेरी बात सुनने लाग रहे, मैं वहाँ पर खुल्लम खुल्ला इल्जाम लगाने लाग रही हूँ कि आप लोग जो है वो न्याय की फाइल ने गुमराह करने लाग रहे हो और न केवल गुमराह करने लाग रहे हो बल्कि आप बहुत ही मानवता के नाते भी और थारे भी दिया बहुत खतरनाक बात है। ये बात खतर लाजमी है कि सब लोग जका चक्कू आया है 16 NTR चक के अलावा रामगढ़ का दीप लाड़ेगा और दूसरा लोग आया है बने जद भी अगर जानो पड़ेगो वह खुलम खुला आवे आपको काम छोड़ के चुको आवे आनो बहुत जरूरी है, न्याय या मिलना रुको नहीं है क्योंकि जब पूरा देश दलाली के ऊपर चाल पड़े, जब पूरा देश चुको है वो ही तरीकों एक आदमी जो को इं माने एक सक्के दायरे मेर भी नहीं इं मानी जाए कि कत्ल में हाथ वेर वो जो है वो बटाऊ की तरह चाह पी गए और मतलब
खातरदारी करके अगर जो थानों भी ना गालन लाग जाओ तो वह बहुत बुरी बात हो। वह बात नहीं कि उन मरणारे के लिए बल्कि भी परिवार के लिए बल्कि अपने सारे लोगों के लिए असुरक्षा को भाव है जिका आपके राह जाना रहा आपके राह आना रहा आदमी है। बात खातर आपने कने आज की तारीख में अभी मन भेरों को नहीं वक्ताओं के बोलियो है संघर्ष समिति जकी बनाई थी बांगा सारा साथियों को के विचार है आपने बैठनो चाहिए और बैठने के सागे सागे जो है वो अठे का विधायक भी आ जावे उप प्रधान भी जो है वो आया है एसपी का नाम जो ज्ञापन लिखे है बिंग में सारा लोग जो है वो साइन भी करो और बिंग अलावा जरूरी है कोई आपकी बात शेयर करना चाहे तो बढ़िया तरीके आपकी बात को या कच्चर पच्चर करना क्यों को नहीं हो सके कोई मेरू सहमत ना हो भाई एक न्यारी बात है हो सके मैं क्यों सहमत ना हूँ भाई एक न्यारी बात है मगर आज सिर्फ और सिर्फ टारगेट ही बात को है कि पाँच दिनों को जो टाइम लियो बिने 19 दिन हो गया भी फाइल गए माँ जके तरीकों अपराधी अपराध करण लाग रहे अपने सह देने लाग रहे भाई लोग सीधा का सीधा बिल्कुल चिन्हित है अंधो आदमी बता दे कि ए आदमी इं अठे घूमन फिरन लाग रहे ए आदमी इं तरीक इं कर लाग रहे पुलिस जो है वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो उल्टो जो कह के सगा न्याय हुए बिगनी पूछताछ करने लाग रहे बड़ी अजीब बात है। लुहारा रे मामले लेके मन्नी राम लुहारा है पर लिखूँ इनको छोरो गमियो छोरो बड़ी संदिग्ध परिस्थितियां गमियो घूसी और बने भी जो है वो थाने में मेरे सागे भी जो है वो आया है बहु संबंधित एक रिपोर्ट है कोई अठे को भी जांच करने लग रहे हो अधिकारी भी संबंधित मैं जमिल भाई जी से भी निवेदन करूंगा और पर लिखूँ एक दो साथी और आए पास भी निवेदन करूंगा मन्नी राम अठी बैठे हैं व्यक्ति कहने अठे बैठे हैं जयमल भाई जी कहते और भी उस संबंधित भी जगह भी लोग कने फाइल है मेरा निवेदन है कि वो केस आगे जाए वो आज ही भेजनो है बिंग संबंध में भी जांच करें आप जो है वो शांतिपूर्ण तरीके में बैठे रहा इस दौरान तो आप मकसद वही है मगर मैं एक बारी फिर स्थानीय पुलिस प्रशासन से हुई चौकी से हुई थाने से हुई निवेदन करूँ कि भाई मैं कट्ठी तो संवेदना बरतते हैं वह संवेदना बरतनी बहुत जरूरी है नहीं तो असल गए माँ जको अन्याय वे लोग जो है वो करण लाग रहे हैं विपक्ष के सागे वो कठिन कठे भी वो खानिया जो बने व्यक्तिगत तौर से भी और कानूनी तरीके से भी अठे भुगतनो पड़ती कोई और साथी अगर ये बोलनो चाहे आपकी बात रखनो चाहे तो खुल्लो मंच है भाई एक एक आदमी बढ़िया तरीके को आगे आपकी बात रखनो सीखो इं को नहीं एक आदमी बाहरले पास आप भी करने लाग रहे मानले पास आप भी करने लाग रहे भाई काली बाजार खतर कोई को नहीं आयो भाषण जो देनो हो तो असल गए माँ बहुत दुनिया में ऐसा मंच पड़े है बहुत बोलने वाला ऐसा मंच है बठे जाके बोल सका और बठे बोलिया भी यहाँ निरंतर बोलता रहे यहाँ मगर यो मतलब हो कोनी का आपा मुंह में आवे जी यहाँ अगले ने कह दिया हाँ बात भी गलत हो ये बात खातर कोई बोलो छाणु आए हुए जगह ना बाढ़ पड़गी कि खीर में ही मुसल मारनो आप पान तो वहाँ लोग थोड़ा यहीं अड़ने पड़ गए दूर भी रहो अभी जरूरी है ठीक है न्याय की खातर आप सारा इकट्ठा लिया तो सारा साथी मेरा तो निवेदन वो है कि वह गेयर पूरी तय करके जितनी कमेटी फैसलो ले लिया वह पर निर्धारित वह गेयर है तय करके और आंदोलन में पूरा जोर से दाव दी न्याय दो और जेका है पुलिस वाला इतनी जास्ती कम लग रहा है 19 दिन की पिछा तीन बात यह है फील को नहीं आवे है तो फिर हम वो मन्नत लगे क्या बात में फिर आखिरी में टकराव अपना ही कटना पड़ेगा निश्चित बात हो रही है महसूस ही कौन करे आज 19 दिन बहुत हुआ कोई छोटा तो नहीं हुआ है अर्थिंग बावजूद ये चीज पर पूरी जोर को नहीं करेगी कट गया पांच दिन में अगर ऐसा नहीं लिया साथियों मेरे को मजबूत करके और जीता तीन ऐसा कर जरूरी है सर ऐसा आपने तो बैठ नहीं सब बड़ी बात आती है जनसंख्या इकट्ठा होया इलाके का बहुत लोग आया आज आप फिर इकट्ठा होया पर बीच में मन ये लगे आपकी गलती होगी ये तो भैया कहे हो कि आप माटी है आप माटी रहेगी जाके इनसे आप कार्यक्रम कर दिया हाँ बाकी है बीच में नहीं लगे बाबा वाह भैया की बात सही हाँ वो सारा एक बहस हो जियो पाँच छः भैया के जब तक ये सारा मुझे नहीं बगी जाए जब तक आप बात मन आज यहाँ लगे बाबा आज आप और इकट्ठा हो आज मैं DSP आ जाएगा CO आ जाएगा SS साहब आज गेड़ है आ जाएगा ये कहेगा आपने
चार दिन को टाइम दियो, तीन दिन को टाइम दियो, सात दिन को दे दियो, टाइम मांगेगा टाइम में अजय महीने में घड़ी समय या घड़ी अपने आपने नो पता आगे क्या अठा कब छोड़ना पड़ गई हो तो टाइम आज दर्ज करो क्या टाइम दो आप मेरा आई डी टाइम ना दियो तंबू ठोको अभी जत ही नहीं आ जाते मेरी बैठ जा रही है जब ही नहीं आओगे देखो जकी सीमा है भी सीमा में रहना पड़ा अपन ने तालो ठोकनो एक आपनो अधिकार को नहीं फाइन में ट्रेनिंग की प्रक्रिया है जनता बढ़ावे पुलिस कर्मचारी को जो का संदिग्ध अवस्था में हाल आना लागे भी ये है तो हम वो सीआईडी सिटी विभाग में विधायक जी ने बोलो थे कि सीआईडी सिटी विभाग में गहलोत सरकार ने लेटर लिखे और एक जांच करवावे जका एमे दोषी कर्मचारी पुलिस गए वह और सागे लियो एमे कसी कुआड़िया कण दिया कण सूचना दी वे अपना चार पांच तो नाम ज दिया बामू यहाँ छोड़ रखे कसी कुआड़िया देना रा दारू पुगाना रा सूचना देना रा वह कौन है बंगा क्यों कौन नाम आने लग रहे जगह बाद में जगह दो जगह पुलिस का कर्मचारी आरोप किया वह भी हमें सगाना चाहिए तो मैं मेरी मांग है अगर विधायक जी ने थे मैं अपना बैठे हैं अगर ये मांग हमारी पूरी करो है सीआईडी सिटी विभाग में जांच करो है आ अधिकारियों पर माना विश्वास को नहीं ना माना सीओ पर विश्वास है अगर सीआईडी सिटी विभाग में जांच करो है लेटर लिख के तो मैं विधायक पर भी विश्वास रखूंगा आ पूरी पब्लिक थारा सगा होगी ना बोलना रो बच्चा कोई है कभी आ क्यों फोन करी आ क्यों फोन करी ए बारह आई बात चल रही मैं थाना स्पष्ट बता दी धन्यवाद साथियों और ऐसी दुख घटना हुई है जिसके लिए कोई राजनीतिक या मत नहीं है और ना ही हमें किसी भी राजनीतिक विषय में बात करनी है लेकिन जो भी बात होगी वो सच्ची बात होगी और सच के साथ हम वो बात आपको बताएंगे जिससे स्थानीय अपने गांव के लोग गोगामेड़ी के आए हुए हैं रामगढ़ के आए हुए वो लोग इस बात से अनजान है। हमारे बीच में बलवान जी फुगेड़िया प्रधान जी आए हुए हैं उनके साथ गांव से विनोद जी स्वामी भी आए हुए हैं और मैं तो गांव के लोगों के अलावा जिका आपने बीच में उप प्रधान जी ऐड है और विनोद जी ऐड है बहु मेरे एक निवेदन है कि हमारे बीच में स्थानीय विधायक जी तो कौन नहीं आ क्या बताओ बिकोलेना बात इलेक्शन के अंदर लाग रहे चलो अच्छी बात है लेकिन ये बात तो भी सत्य है आप सभी को पता है कि अपने विधायक जी के बड़े अच्छे संबंध है गहलोत जी के साथ इस बात का सभी को पता है और राजस्थान का जो गृह विभाग है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। अगर स्थानीय विधायक जी चाहे तो हम लोगों को यहाँ पे धरना प्रदर्शन व हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। एक मीटिंग में अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है ये सत्य है। जब जिन लोगों का राज है जो लोग सत्ता में है उसके बाद भी वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और उनके प्रतिनिधि यहाँ पे धरने पे बैठे हैं तो ये तो यह बड़ी शर्म की बात है। बड़ी शर्म की बात है स्थानीय उप प्रधान सत्ता में जिनका हाथ है गहलोत जी साथ जिनके संबंध है फिर भी उनके विधानसभा में एक व्यक्ति को पीट के मार दिया जाता है और वो यहाँ पे धरने पे बैठते हैं तो मैं बाजरा विधायक के लिए बड़ी शर्म की बात मानता हूँ। बड़ी शर्म की बात साथियों ये अलग बात है कि जिका आपने लोग खेत में जाए खेत में भी आपने काम को टेम है सारंगे धरमे की चुगाई होने लाग रही है ग्वार को काम चालन लाग रही है कम ताली को टेम है और जिको किसान समाज है वो काम के टेम में आपको छोड़ के खेत में आवे नहीं बहंगे लिए भी एक बार मरण वाली बात हो जाए खेतों काम छोड़ गया है बड़ी लेकिन कई घटना ऐसी हो जाए जी खातर आपन अठे आना पड़े। मैं उप प्रधान जी से निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बात विनोद जी से निवेदन करता हूँ कि आप विधायक जी तक पहुँचा दें कि अगर जिसके पास अधिकारी के पास यहाँ की जाँच है वो जाँच नहीं कर रहा है तो अपना अधिकारी यहाँ पे लेके और उस मामले की जाँच करवाए और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करवाए। अगर आप न्याय में देरी करोगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि हमने नोर बादना के अंदर आज से पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी है कि लोगों ने हड़तालें की पैदल जयपुर तक गए
मुख्यमंत्री ने आके मत में कहा कि मैं तेरे सर पे हाथ रखता हूँ, मैं तेरी सीबीआई जांच कराऊंगा, लेकिन इन लोगों ने उसका रत्ती पर भी निकाल के नहीं दिया। आप देरी मत करना, अगर देरी कर दी तो आपको किसी भी हालात में न्याय नहीं मिलेगा। आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले हमारा गांव पड़ोसी है जसाना, वहाँ पे पंडित जी को दोपहर का समय था, पंचायत समिति में बाबू थे, उनको काट दिया जाता है, गंडाचे से काट दिया जाता है। लेकिन आज तक प्रशासन को ये पता नहीं चला कि इसकी हत्या किसने की थी और एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस हालात में आप कैसे किसी से ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आप किसी तरीके से जांच करवा लेगा। उसके बाद में राजस्थान विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, स्थानीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत नोहर में विधानसभा करने के लिए अमित जी के लिए आते हैं, और उस समय पवनवाद सत्याकांड में पवन जी के पिताजी मंच पे आते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से उनसे वादा करके जाते हैं कि जो मेरी सरकार बनेगी यहाँ से अमित विधायक बन के जाएगा तो मैं तेरे को निश्चित न्याय दिलाऊंगा। क्या न्याय मिला पवन व्यास को, ये बताओ आप? नहीं मिला। उसकी अब तक कोई जांच नहीं हुई, ना कोई सीबीआई जांच नहीं हुई। वो व्यक्ति आज भी जो जनप्रतिनिधि है उनके घरों में गेड़े मार रहा है, उसको न्याय नहीं मिला है। उसके बाद में नोहर में आज से 10 साल पहले एक बड़ा घटनाक्रम होता है जिसका नाम है चक्रराजा सर हत्याकांड। सब लोगों को पता है कि राजा सर हत्याकांड कितनी बड़ी निर्मम घटना थी, किस तरह से पूरे परिवार को रात को आके काट दिया जाता है और आज तक एक भी अपराधी उसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरकारें आई सरकारें ऐसी बात नहीं है, दोनों संगठनों की सरकारें आई, लेकिन क्या राजा सर हत्याकांड में किसी को न्याय मिला? नहीं मिला न्याय। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखो कि एक एक व्यक्ति के पास वो तो आते है तो चलता रहता है, तो मैं अपनी बात को यहाँ पे, कोई राजनीतिक सभा नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरी तो प्रधान जी से, उप प्रधान जी से हमारे बीच में आए हुए विनोद जी से यही निवेदन है, आपका विधायक है, मुख्यमंत्री राजस्थान का सीएम एकदम विधायक जी का खास है, गृह मंत्रालय उसके पास है, और गृह मंत्रालय जिनके पास होते हैं उनके पास पुलिस का विभाग, सारा गृह विभाग संभालता है। तो आप विधायक जी से बात करें और इस परिवार को न्याय दिलाए। अगर कोई अधिकारी ढंग से जांच नहीं कर रहा है तो उसकी जांच चेंज करवाए। धन्यवाद। अभी तक हमारे आरोपी गिरफ्तार नहीं, जिस बच्चे के सामने लठ मार मार के उसके बाप को मार दिया और उस बच्चे ने आरोपी और बता दिए थे, किसकी जांच चल रही है, क्या सबूत चाहिए? उस बच्चा बता रहा है अभी ये लोग थे, फिर किस सबूत क्या होता था? सबूत वो बच क्यों नहीं था साहब? सबूत कौन रहता था? वो बच क्यों भगवान? क्या जांच चल रही है, क्या सबूत, क्या लोकेशन निकाल ली, क्या मोबाइल है? मोबाइल ले ले। आज मैंने एक बात पूछा है इन आदमी बीच में भी ये बात के टाइम की तक मांगे हर मुंह बोल के बताओ ना। आप पूरी बात बता दो, एक साथ ही बता दूंगा ना मैं, या क्रॉस नहीं हो गया, आप अपनी बात पूरी रखो फिर मैं मेरी बात रख दूंगा। टाइम कितना दिन में मांगे? अपने एक साथ बता दो, मैं सभी बातों का जवाब दे दूंगा। सर प्रोग्रेस बताओ, बिना छोटा आज मैं प्रोग्रेस ही पूछना चाहूंगा। 5 दिन का टाइम मांगे तो बिल्कुल जियो कौन जियो के लिए हैं? 5 दिन के बाद का मैं 19 दिन हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट बताओ। बता देते भाई, आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, 5 खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, हमने 4 के खिलाफ गिरफ्तार करके उनको पेश कर दिया। 5वां मुलजिम अभी है कि नहीं है इसका अभी तक अनुसंधान चल रहा है। आईओ पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि ये मुलजिम है कि नहीं। एक मिनट पूरी पांचवा जो मुलजिम है उसके लिए अनुसंधान चल रहा है, कुछ बयान है, कुछ गवाह है जो आईओ को लेने हैं वो अभी तक उसके पास नहीं आ रहे। निदान मुलजिम जो को साहब हम पूछ रहे हैं बात, मैं अभी 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 क्या है, मैं इस चीज का कोई यहाँ जवाब नहीं दे पाऊंगा। कहाँ दोगे आप? नहीं मैं नहीं, वहाँ चलते हैं, जहाँ दोगे चलो आप, मैं तो किसलिए दूंगा जवाब? कहाँ दे सकते हैं? 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 अनुसंधान कर रहे हो आप? मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, आप उस डिपार्टमेंट के मुख्य है तो आप ही कर रहे हैं। आप कैसे मान सकते हैं कि वो मुलजिम है या नहीं है? और कौन मान? कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट का काम नहीं है, ये आईओ का काम है। तो फांसी दे दो उनको, फिर आईओ फांसी नहीं, फांसी देना सुना सकता है? फांसी देना, एक मिनट रुको जी, एक फांसी देना न्याय जी, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, आप भी जानते हो,
सुनो एक मेरी बात है साहब, सुनो एक मिनट है, कह भी आपा ने एक बात कही है भी चार आरोपी में गिरफ्तार कर लिया, पांचवा नापा पांच तारीख नहीं बता दियो भी वो पांचवा आदमी है, आज तारीख होगी 23, एक एक दिन गिन गया हो गया 19, 19 दिनांक है माँ आंगी पुलिस और आंगा आदमी आ बात तय कौन कर पाया भी वो कातिल है या कौन ही ए आदमी आप तय करे भी वो हमारे घर आगे आगे जाके और मैंने धमकी दिया और दूसरा मर्डर हुआ जद अब इन कातिल मानेगा सारांगी मिली भक्ति आंगी बैंको एक एक मिली भक्ति है साहब दूसरी कत्ल ना कर ये कह रहे थे कि इंद्र के बयान में तो कौन उस इंद्र का बयान हो गया उसने सुनो पर्चा बयान हुए पर्चा बयान नहीं कि मुझे सुनने में आ रहा है वो एक आदमी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं यहां कोई पूछ नहीं आता ये गोलदार ये कहता है तो वो आदमी तो नहीं है नहीं है इन्वेस्टिगेशन कर नहीं मना रहा मैं कहता हूं मैं देखिए कि बात लटका ये बक है जी कहना वहां पांच आदमी नाम से रखा गया है पांच तरह फिर है जी का मत जा रहे एक कौन खर्चा है लटका ये बक है मेरा नहीं मारी पहली बोल नहीं ये फाइट है तो कौन का फिर है इंजन का बयान है जी का मैं आता न्याय की हूं तमन्ना कहा का न्याय देगा क्या न्याय देगा इन्हें तो कहते नहीं जागा रहे बैठे ये घंटा पीछे रहे हां ऐसा खा रहा है ऐसा कहते हैं क्या मैं आज ही मान ले मात्र ने पहला तो सारा लड़ना आड़ा जमा दा दाब गई आ रहे तो फिर मैं जाने आप सिर्फ लड़ने की बजाय बस आए टक्कर हम टक्कर हो गए मजा तो आया मुकदमा लगा तो ढंगू लगा लड़ा तो पुलिस आगे लड़िया अब तक माहौल हो गया गुरु जी का आप सिर्फ ज्यादा लड़िया कोई ढंगी बात करी बान उरे बीच में ले आया था अभी 15-10 मिनट बाद चला दो मिनट के मैं खत्म करके मैं कहानी चल जाता अभी मेरा थानू निवेदन है वो जोर का बोला घना ही बोला लेकिन आज जोर का बोलना है तुझसे बात है कोई आप अपनी बात करना अपनी बात पूरी नहीं होनी थी घना ही जोर का बोला है अब थारी संघर्ष समिति बनाई है पहला ही क्यों पांच आदमी चुन लियो बढ़िया करिया हरा पांच आदमी अब बैठ के भीतर बात कर लिया वह पांच संतुष्ट ने अगर भाई सारे बातों से संतुष्ट न हो फिर आप अगलो कदम है वो गुरु जी तय कर भीड़ गए मैं फिलहाल आप वार्ता करने गए पोजिशन में क्यों ही वार्ता करनी तो दूर की बात है तो थे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है ये लड़ने की बजाय थे पांच आदमी हिस्सा दे दो जिसका शांतिपूर्वक बात कर ले शांतिपूर्वक भीतर जाके बैठ के बात कर ले आपा ना लगे भी अपनी बात कौन सुनी जी तो आपा चक्का जामो कोल दे देंगे आपा थाने घेराओगे बुड्ढो कोल दे दें आप पड़ाऊ डाल दें तो आप कड़ी गया तो कौन लेकिन पहला अपनी सत्र ने आप लेके तो जा बात ही तो लेके जा असली कहानी की है तो मेरा थारू हाथ जोड़ के निवेदन है थे पांच आदमी तय करो अरविंद ये बात यार मन करवाती खिचड़ी खंडार सामने की बात नहीं सुनियो इनको कोई कारण है समझ में आई के थारे क्यों कौन सुनियो आपन संख्या बल जो है थोड़ो सो दिखियो जाना इतना साक आदमी है नी ई खातर ने सुना तो भी काम चल जाएगी बनाने था को नहीं प्रदीप साक आदमी जो है तो बिना नोटिस दिए रहे तो दरखास्त देन आया हो कि हम थोड़ा सा कह लो बताओ नहीं आया कि तैयार तंग की तारीख कौन करी या नहीं ता साक ना मानो ना पूरो एरियो जो है नी ई ई थारे ई जकी थारी प्रक्रिया चले नहीं पूरो एरियो दुखी है पूरो एरियो आसी अब थे माने चार पांच आदमी आन बैठे भेजा बात पर चर्चा करी चर्चा करके आके वो भाई
अफसर जो है आपने ताकत कम आंकी है। अब आप जो दस आदमी इतने बैठ जावगा तो वो देखा दस दिन गए न चले जाऊंगा। सारी समझे यार रात दिन जो है नहीं वही काम करें। तो आप जो है एक तो आज वो पहली ज्ञापन बना रहा कि एसपी के नाम एसपी ने ज्ञापन किया है कि महाराज जो है बाकी लोग गिरफ्तारी को नहीं हुई और जगह पुलिस आ रहा है बा खिलाफ कार्रवाई को नहीं हुई। ये मैं 26 तारीख दी है एसपी ने 26 तारीख ताई जो कार्रवाई और नहीं हुई तो 26 तारीख ने मैं जो है अठे बहुत बड़ो आंदोलन कराऊंगा। अरबिंग की जिम्मेवारी सारी सरकार की एसपी की होगी। तो अब हमारे तो ये निर्णय पर हो गया भी आप 26 तारीख को पूरे एरिया के लोगों ने एक आदमी जो है नहीं कम कम 10-10 आदमी लगा बाकी एरिया में फिर गए सारे कहाँ भाई चलो कौन सुनी कह तो सुन लेंगे तम करो भगवान तो सूर्य भगवान अरे नहीं करी तो आप 26 तारीख ने था जो है नहीं कम कम 2000 आदमी कम नहीं होना चाहिए ले आ सकोगे कौन कौन आदमी 10-10 आदमी ले आ सके हाथ खड़े करो देखो नहीं ले आ सको तो हाथ ना खड़े करिए और लिया होगा नायब जी रतन सिंह ने बात दी हो बहुत ईमानदार अफसर हो एग्रीकल्चर के नहीं में कोऑपरेटिव सोसाइटी और खाती ये भी टाइम लगे आज उनको 40 साल पहले करता करता संख्या बल न होने की बजे हूँ आज तक भी मुबेरों को छिड़ी रामगढ़ में जो एक ही संलाद गया पोता ने मार दी एक पग बढ़नी जी है मेरे पर का घना ही करेगा मैं खा जाओ भी बाद में ठंडा पड़ जाए गई जसाने में जसाने में पवन व्यास गणेश जी का हो गणेश जी का गयो आपने अठे अठे की बतावा देश की को नहीं बतावा और परवाने में वो कातिल और ओ पल्ली के में वराड़ो छोरो जी को तो आ तहसीलदार जी 26 तारीख कही है आ अब भी कर सका पर 26 तारीख ने आपने आग अब है बा भीड़ नहीं है अरबा आग लंबी नहीं रही तो जीवन इतना सुरक्षित हो गयो का आवारा टिंगर दिखा है वह बढ़ता जा रहा है नशा तरह तरह का चल गया तीन कोई जीवन सुरक्षित को नहीं आ कोई एक परिवार की कोई छोरो मर गयो बिन ना लो आपने पूरे एरिए के अमन और शांति की बात है मेरो भी जीवन बितने यह सुरक्षित है आप अलग अलग विचार हो सके अलग अलग पार्टियां हो सका अलग अलग अपना हित हो सके एक दूसरे का पर वह हित पूरा चुकर होएगा तो अपना जीवन ही सुरक्षित नहीं ये भाई सारा जगह है 26 तारीख में अगर भीड़ नहीं हुई तो फिर पाछो नीचे पगा का निकल के चलांगा और आप आगे आंदोलन कर जूगा ही कौन रहा पहले आंदोलन मिटिया एक कड़ी और बन जाएगी निर्णायक आंदोलन है तो लोगों ने ले गया और भीड़ तकड़ी हुए निर्णायक हुए आर पार की लड़ाई जब बारिश होगी तब पार की पूरा एरिया आग से पार पड़ेगी तो बताओ मैं तो फिर थारो कोई और विचार है जगह बता अब जो आप आया तो पूरे गुस्से में आ गया यार आप जो थोड़ी सी देखो एक प्रक्रिया चले नहीं एक प्रक्रिया भी हुआ काम की आंदोलन कराने की सूचना भी सरकार ने देनी पड़ेगी आज आप आया चलो आया आप आपू रोष प्रकट कर दियो आज अपने अर्थ सागे अपने साथ कोई घटना घट जा रहा अपने दूध पड़ जाए अपना आप पिटी जावा तो जो है नहीं कोर्ट में जावा नहीं पठोर पिटी जा बिना प्रक्रिया नोटिस दे जा आरो है कि सूचित कर जाएगा नहीं के बाद अपनी ताकत जो है नहीं बात 10 गुनी होती ज्यादा हो जाएगी सारी बात है नहीं तो प्रक्रिया के तहत में दो निर्णय लिए आपने तहसीलदार जी की ये बात तो सारा सही सुना।
तबे तन मन जुट जाओगा। प्रत्येक आदमी सोच सको कि भी आपा ने 10, 20, 30, 50 ज्यादा में ज्यादा आदमी आपा ले जा सका, ज्यादा में ज्यादा आपा भीड़ कर सका। दो तीन बातें भी ध्यान में रखनी है, लावा मन आ भी जरूरी है कि अनुशासन में रहने चाहिए। पहली बात आया अनुशासन की, हमें 302 का मामला है, उनका आश्वासन पत्र बिल्कुल नहीं था। ये करूँ फोटो जल्दी सर, फोन जल्दी करो, एक मिनट ये रहना जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप पूछ लिया वो आन आ जा रहा है। आ जाओ जकर करे जल्दी है बड़ी काम है। आप ठीक तो पकड़ के लिया मुख्यमंत्री ने भेजे भेजा राजू बे मेरे जी। हाँ डाल दी और मेरा फोन और बैग दो और बैग बल्कि।